वहीं बरेली के बीसरी चैनपुर में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाया। युवक ने इलाज में लापरवाही करने का गंभीर आरोप लगाते हुए विधायक निधि का पैसा भी डकारने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पीड़ित युवक ने डॉक्टर राघवेंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेरा 2018 में एक्सीडेंट हुआ था, इलाज आगरा में हुआ था, वहीं पे एक्सीडेंट हुआ था। 2019 में मैं घर आ गया था और घर आने के बाद में मेरे को मशवरा दिया गया था श्री रामगंगा हॉस्पिटल राघवेंद्र शर्मा जी के यहाँ का। तो वहाँ पे आके मैंने 2019 से स्टार्टिंग यानी मार्च से और दिसंबर तक उनके पास एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें कराता रहा। जब उन्होंने बुलाया 15 दिन में महीने में इस तरीके से, फिर मेरे पास पैसा ख़त्म हो चला था। फिर मैंने विधायक निधि से अपने आंवला सांसद विधायक जी से सांसद निधि को पास कराया था 1,25,000 रुपये। वो नवंबर लास्ट में दिसंबर लास्ट में 2019 के रिलीज हो गया। फतेहपुर के अदरा गांव के पास नहर में युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक की पत्नी ने गांव के ही गोरे लाल यादव सहित अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या किए जाने की तहरीर पुलिस को दी है। वहीं इस पूरे मामले में SP राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नहर में शिव बरन का गोली लगा शव मिला है। मृतक असौथर थाना क्षेत्र के कोंडार गांव का रहने वाला है। इस मामले में लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की जा रही है। आज थाना थरियाव क्षेत्र के अतरहा गांव में शिवशरण यादव, जिनकी उम्र 42 साल के आसपास है, तालाब के किनारे उनकी डेड बॉडी मिली है। ये ग्राम कौंडर थाना असोथर के रहने वाले हैं, जो घटनास्थल से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। उनकी पत्नी द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें एक व्यक्ति को नामित किया गया है, उसे शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। और प्रथम डिस्चार्ज जाँच में अब तक ये पाया गया है कि आसनाई का मामला है, इसमें जितने लोग भी शामिल होंगे उनको भी प्रकाश में लाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। महुआ में युवक को गोली मारने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बेलाताल थाना क्षेत्र के महुआ बांध पर शराब के नशे में दबंग ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे महुआ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वह युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अजनर थाना क्षेत्र में एक महुआ बांध गाँव पड़ता है, उसमें दो व्यक्तियों में आपसी विवाद में झगड़ा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा गोली चला दी गई, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। उसको तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे झांसी रेफर कर दिया गया है। उसकी हालत अभी ठीक है। जो जिनकी गोली लगी है, उसमें वादी पक्ष के द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसमें जिन व्यक्तियों को नामित किया गया है, उसमें से हमने दो व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में ले लिया है। मुकदमे की विवेचना कराई जा रही है और आगे आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद पुलिस और स्वाट टीम ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 15 तमंचे, अधबने तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 1 हुक्का के साथ शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए। SP के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर यह अभियान चलाया गया था।